नमस्कार, तेजस्वी के जन्म दिन पर आज बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को दिया बड़ा उपहार। हैप्पी बर्थडे तेजस्वी यादव, जो है वो पूरी तरीके को सभी जगहों पर देखने को मिला। इसके साथ भाजपा ने कहा, जो नियुक्ति पत्र तेजस्वी और नीतीश कुमार मिलकर बांट रहे हैं वो नौकरियां हमारी थी, या सिर्फ और सिर्फ अपना जो है वो मुहर लगाना चाहते हैं। इसके साथ आज की बड़ी खबरों में बातचीत करेंगे। राहुल गांधी ने एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा के साथ महाराष्ट्र में किया दाखिल, कहा भारत जोड़ो यात्रा का सभी इरादे सक्षम होंगे। इसके साथ एयर इंडेक्स पर पोल्यूशन का ग्राफ रेट बढ़ा, गाजियाबाद, नोएडा और इसके साथ साथ दिल्ली का बुरा हाल, पटना भी जी हां बुरी तरीके से परेशान दिखाई दी। तेजस्वी यादव की धर्मपत्नी ने भी तेजस्वी यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं कुछ नए अंदाज में दिया। जानिए कैसे दिया और किस तरीके से विश किया अपने पतिदेव को हैप्पी बर्थडे। और इसके साथ ही बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को देखते हुए आज की मिली एक रिपोर्ट के अनुसार जहां अभी तक कई लोगों को मारी गई गोली। इसके साथ आज की बड़ी खबर में बातचीत करेंगे कि कैसे यहां देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में दहाड़ लगाई, कहा सरकार ना बदले। इसके साथ आज की बड़ी खबर में बातचीत करेंगे आम आदमी पार्टी की गुजरात के दौरों को लेकर के और वादों को लेकर के क्या है नई खबर, विस्तार से करेंगे चर्चा। इसके साथ साथ आज की बड़ी खबर में बातचीत करेंगे, चिराग पासवान ने कहा कि अनंत कुमार सिंह की अपनी जीत है, तेजस्वी और नीतीश से कुछ होने जाने वाला नहीं था, इसको लेकर के भी बड़ी समाचार रही है। अनंत कुमार सिंह के करीबी माने जाने वाले मास्टिके कार्तिके की आज अग्रिम जमानत जो है वो ले ली गई है और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। इसके साथ आज की बड़ी खबर में बातचीत करेंगे कि कैसे, जी हां आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म करने की मांग उठा रहे हैं जीतन राम मांझी। तो छोटी बड़ी सभी खबरों को देखेंगे विस्तार से, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। देखिए, तेजस्वी यादव की जन्मदिन की केक आज कटी गई। ऐसे में तेजस्वी यादव के साथ उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव थे, माता राबड़ी देवी थी, जब रात को 12 बजने के बाद में ही तेजस्वी यादव के जन्मदिन की हैप्पी बर्थडे वाली केक को काटी गई। तेजस्वी यादव ने माता राबड़ी देवी को भी हैप्पी बर्थडे का केक खिलाते हुए नजर आए। उन्होंने माँ को केक खिलाने के साथ साथ उन्होंने बड़े भाई तेज प्रताप यादव को केक खिलाया, पांव छूकर के आशीर्वाद लिया, मम्मी और भाई के आशीर्वाद के बाद में वो जो है वो नजर आए। ऐसे में तेजस्वी यादव की नम्रता और तेजस्वी यादव के बारे में उल्टे सीधे बयानों को देने वाले लोगों को एक जोरदार तमाचा था। आप देखिए कैसे तस्वीरों में तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव को केक खिलाते नजर आ रहे हैं, तो तेजस्वी यादव भी माता और जी हां बड़े भाई को भी वह केक खिलाते नजर आए। दोनों भाइयों में प्यार का सिलसिला आज भी जारी है और ऐसे में यह सारी तस्वीरें इस बात का दावा करती नजर आई। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त नीतीश कुमार को लेकर के। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को जन्मदिन की बधाई गले लगा कर दिया। तेजस्वी यादव को गले लगा कर के नीतीश कुमार जब नियुक्ति पत्र बांटने के लिए पहुंचे थे, उस दौरान नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई और ऐसे में 33वें जन्मदिन की बधाई नीतीश कुमार ने गले लगा करके भतीजे को गले लगा करके दी। ये तस्वीरों को देख करके कई लोगों ने कहा कि चाचा और भतीजे का ऐसा ही अगर प्यार रहा तो फिर वो दिन दूर नहीं जब सबसे बड़े ताकत बनकर कि ये पूरे बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करेंगे। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, चाचा भतीजों का रिश्ता ऐसे ही कायम रहा, तो वो दिन दूर नहीं है। खैर, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के इन बयानों के सामने आने के बाद में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि नियुक्ति पत्र जो बांटे गए वो आने वाले कल के लिए एक उजाले जैसा है, जो उजाला काफी बार प्रकट करेगा, काफी उजाले को प्रकट करने की तैयारी जो है वो बिहार में शुरू हो गई। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त, लालू प्रसाद यादव ने भी तेजस्वी यादव को जन्मदिन की बधाई दी। पिता ने अपने पुत्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए लंबे उम्र और अपने जीवन में कामयाब हो, सभी मकसदों पर उनकी कामयाबी मिले और इस बात की कामना करते हुए लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां देते नजर आए। ऐसे में दोस्तों लालू प्रसाद यादव जो है वो एक अलग नज़ारे और गेटअप में दिखाई दिए थे।
जहां ट्विटर पर उनके जन्मदिन की बधाई देने का जो अंदाज था वो काफ़ी अलग और यूनिक था। ऐसे में लालू प्रसाद यादव ने जो है वो अपने छोटे पुत्र तेजस्वी यादव और शाह बिहार के पद परिवहन विभाग के मंत्री और इसके साथ साथ तो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री और डिप्टी सीएम को बधाई कुछ अलग अंदाज में दिया, जिसको देखते हुए लोगों ने कहा कि लालू का शेर आज भी सवा शेर है। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, पहाड़ों पर बर्फबारी से नज़ारे व्हाइट व्हाइट से दिख रहे हैं। उजले उजले नज़ारों में लोगों के देखने की नज़रियां भी कुछ अद्भुत तरीकों से नज़र आ रही है। ऐसे में सफ़ेद चादर के से ढके बर्फ से ढके तमाम नज़ारों को देखते हुए कुछ अद्भुत नज़ारे देखने को मिले हैं। ऐसे पर्यटक इसका लुत्फ़ उठाना चाहते हैं, लोग जो है वो ऐसे मौसमों में वो घूमने जाना चाहते हैं पहाड़ों पर, और आपके लिए सुहाना मौसम काफ़ी ज़्यादा जी हाँ बेहतर हो सकता है। अगर आप स्नो गिरने की इंतज़ार कर रहे थे तो आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया। पहाड़ों पर स्नो गिरने की खबरों ने सबको चौंका दिया है। इस बार स्नो काफ़ी ज़्यादा गिर रहा है और इसके गिरने के मुख्य कारण भी कई हैं दोस्तों। ऐसा माना जा रहा है कि स्नो इस बार लगभग जी हाँ कई फीट गिर सकता है, जिसको देखते हुए लोग और श्रद्धालुओं को पहाड़ पर जाने की इच्छाएं भी जग उठी है। ऐसे में पर्यटक ज़्यादा पहुंचेंगे। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है इस वक्त, बीजेपी ने आज तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को झटका दिया। उन्होंने कहा कि जो नौकरियां हमने निकाली उसी नौकरियों को अपने बदौलत अपने मुहर को लगा करके कहते हैं कि नौकरियां हमने दी, ये नौकरियां तो हमारी दी हुई है, और ऐसे में आपकी इन नौकरियों के बदौलत जो है वो बिहार की जनता सब कुछ जानती बूझती है। हमने नियुक्ति निकाली, हमने सब कुछ किया, सिर्फ आज स्टाम्प और मुहर लेकर के पहुंचे हुए हैं, एक एक करके ये सबको दे रहे हैं। ये नियुक्ति घोटाला हो सकता है, नियुक्ति के अंदर सरकारी रोजगार देने का ये घोटाला हो सकता है। उन्होंने साफ तौर पे इस बात को माना कि सरकारी नौकरियों को देने का एक घोटाला ही ये हो सकता है, ना कि सरकारी नौकरियां सरकार जो है वो अपने इच्छा के बदौलत अपने बदौलत देना चाहती है। ये सब कुछ एक जो है वो प्रीप्लान किया गया और इसके बदौलत जो है वो दी जा रही है। खैर आपका इस पर क्या कहना है कमेंट करके बताएं। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, आपराधिक घटनाएं आए दिन बढ़ती चली जा रही है। बिहार के सिवान ज़िले में चिमनी के व्यापारी से यानी ईंट उद्योग के व्यापारी से 20 लाख की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है, अन्यथा उन्हें गोली मारने की धमकी दी गई है। इसके साथ साथ सिवान में आपराधिक घटनाएँ बढ़ गई है। सिवान के महाराजगंज क्षेत्र के अंतर्गत मुखिया के पति को जी हाँ रंगदारी ना देने के एवज में गोली मार दी गई थी, और ऐसे में आपराधिक घटनाओं के बढ़े जाने को लेकर के खबरें आई। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी के विधायक व्यास सिंह के काफी करीबी माने जाने वाले मुखिया पति को गोली मार दी गई थी, जिसके बाद में मामला सामने आया था, और ये मामले जो हैं वो आए दिन सामने आ रहे हैं, काफी चौंकाने वाले ये मामले हैं। आज आपराधिक घटनाएं बढ़ने का देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी घूम घूम करके भाजपा को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान आज जो है वो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है वो भाजपा को जिताने के लिए हिमाचल प्रदेश पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता को ये अच्छे से पता है कि सरकार बदलने से उन्हें नुकसान का सामना ही करना पड़ता है। अगर उन्हें नुकसान का सामना नहीं करना पड़े वह बेहतर कर पाए तो आप ही आज से ही रोजगार के मुद्दों को लेकर के वोट दीजिए जी हाँ, और इसके साथ साथ तमाम विभिन्न प्रकार के मुद्दों को लेकर वोट दीजिए, सरकार बदलने वाले मकसद और मनसूबों को ख़त्म करिए। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस पर जो कुछ भी अपनी प्रतिक्रिया दिए, इससे जो है वो हिमाचल और इसके साथ साथ कितना ज़्यादा वो एक्टिव करा पाते हैं, कितने ज़्यादा वोट बैंक को अपने सपोर्ट और समर्थन में ले करके चले आ पाते हैं, ये थोड़ा सा और वक्त का इंतज़ार है, कुछ स्पष्ट जनता कर ही देगी।
आज एयर इंडेक्स पर मामला कुछ और ही पाया जा रहा है। देश में लगातार पॉल्यूशन का ग्राफ रेट बढ़ता चला जा रहा है। आपको बता दें कि पॉल्यूषित हुई बिहार की कई जिलों में भी जी हां, मौसम विभाग ने लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की अपील की है। इसके साथ साथ जो है दोस्तों, आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कई जिले जो है वो पॉल्यूषित हो चुके हैं और नोएडा में भी पॉल्यूशन का ग्राफ रेट इतना अधिक हो गया है कि सांस लेने में भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में खुलकर लोग सांस तक नहीं ले पा रहे हैं, गले में खराश और आंखों में जलन, इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार से बीमारियों के होने की संभावनाओं को प्रकट किया जा रहा है, जिससे काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप अपने आप को सतर्क रखते हैं तो ही जा करके ये सब कुछ बेहतर हो पाएगा, अन्यथा आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों आपको बता दें कि मास्क का इस्तेमाल से पॉल्यूशन के ग्राफ रेट को थोड़ा सा आप कम कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी के तरफ से बड़ा दावा, इस बार गुजरात को फतह करने की बारी है। गुजरात की जनता हमारी इंतज़ार कर रही है और हमारे वोटर हमारा इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि हम उन्हें कब जो है वो समर्थन में ला रहे हैं। ऐसे में इस बात का कहना और इस बात का जी हां, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहना, ये साफ तौर पर स्पष्ट करता है कि आम आदमी पार्टी के मन में बहुत बड़ा प्लान चल रहा है और ये प्लान जनता के मन को टटोलने के बाद में ही आम आदमी पार्टी बड़े दावे को कर रही है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का एग्जिट पोल भी काफी सटीक होता है। उन्होंने कई बार अपना एग्जिट पोल दिया है और उसके बाद में वो एग्जिट पोल सटीक पाया गया है। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, जब जी हाँ, आम आदमी पार्टी की तरफ से एग्जिट पोल दायर किया जाएगा कि किसकी जीत और किसकी हार, कितनी सीटों पर उनकी जीत और कितनी सीटों पर भाजपा की जीत होगी, ये थोड़ा सा और वक्त तक इंतजार कर लीजिए, एग्जिट पोल जो है वो पता चल ही जाएगा। बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, अगर आप भी घरों में बिजली का इस्तेमाल करते हैं और बिहार से हैं तो बबुआ आपको अब झटका लगने जा रहा है। झटका इस बात को लेकर के कि बिजली विभागों के तमाम कंपनियों ने मंत्रालयों को चिट्ठी लिखते हुए इस बात का आश्वासन दिया है कि बिजली व्यवस्थाओं को सुधारने और बेहतर बनाने के लिए इसकी कीमतों को बढ़ाना ज़रूरी है और ऐसे में समय रहते अगर कीमतों को नहीं बढ़ाया गया तो नुकसान का सामना कंपनियों को करना पड़ सकता है। ऐसे में कंपनियों को नुकसान का सामना ना करना पड़े, इस बात के आश्वासन देते हुए कंपनियों ने बिजली विभाग से अपील की है कि वह जल्द से जल्द ये सारे मामलों पर अपना रिपोर्ट दें। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, पथ परिवहन विभाग मंत्रालय संभाल रहे तेजस्वी यादव जो है वो बिहार के सड़कों के हालातों को बदलने का एक सपना लेकर सामने आए हैं। बिहार में टोल प्लाजाओं से जब आप गुजरते हैं तो आपको टोल टैक्स देना पड़ता है। ऐसे में मिली सूत्रों के हवाले से खबर के अनुसार तेजस्वी यादव कुछ बेहतर बिहार के लिए कर सकते हैं और बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर तेजस्वी यादव जो है वो रोडों को लेकर के यानी पथ परिवहन मंत्रालय को संभालते हुए वह कुछ बेहतर करने के प्लानिंग कर सकते हैं और इसके साथ ही ट्रैफिक नियम हो या रूल हो या फिर लोगों के सड़कों की व्यवस्थाओं में कमियां हो, उन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए तेजस्वी यादव अब एक के बाद एक अपने कामों को करने में लग चुके हैं और ये सारी चीज़ें देखने वाली होगी कि क्या कुछ वह कर पाते हैं। खैर, आप हमारे साथ बने रहिएगा, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, हमें उम्मीद है कि आप सभी इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करना भी ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता।